उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राहुल ने देवरिया से किसान यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस दौरान रुद्रपुर में राहुल गांधी ने खाट पंचायत लगाई, जहां राहुल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वो किसानों को भूल गए हैं, बीजेपी का किसानों पर ध्यान नहीं है। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी ने उद्योगपति दोस्तों का कर्ज माफ किया लेकिन किसानों का नहीं, जबकि हमने मनरेगा के जरिए मजदूरों की मदद की। इससे पहले देवरिया के दोआब में राहुल का शानदार स्वागत किया गया। स्कूली छात्र और छात्राओं ने रास्ते में राहुल गांधी पर फूल बरसाए। इस दौरान राहुल ने दलित बस्ती में जनसंपर्क किया और पिछड़ेपन को लेकर उनके विचार जाने। आपको बता दें कि अपनी किसान यात्रा के दौरान राहुल गांधी करीब एक महीने तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करते हुए 2500 किलोमीटर की यात्रा दिल्ली में समाप्त करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि इस यात्रा का लक्ष्य सरकारी संसाधनों में गरीबों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित करना है। तो राहुल गांधी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यूपी में पिछले 27 साल के वनवास को समाप्त करने के लिए कांग्रेस जी जान से जुटी है, लेकिन जनता कांग्रेस के इस मेहनत को कितने नंबर देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।